राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, और भारत जोड़ो यात्रा की सुबह सुबह की पहली कवरेज आज आपको दिखा रहे हैं। औपचारिक तौर से कल शुरुआत हुई, लेकिन आप ये देखिए तिरंगे के साथ में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी खुद इस यात्रा में आप, और ये काफिला कितना बड़ा है ये मैं आपको यहाँ पे शुरुआत में लेकर के आया हूँ, और ये काफिला जहां पर खत्म होगा आखिरी तक आपको दिखाएंगे, ताकि आप ये समझ सके कि काफिला कितना बड़ा है। और राहुल गांधी क्या वाकई पैदल चल रहे हैं, कोई गाड़ी में बैठेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए आप 3500 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत यहां से होती है, और राहुल गांधी जी खुद जो है इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, पीछे तक काफिला है, कई किलोमीटर तक पीछे तक का काफिला है, और ये आप देखिए कई किलोमीटर लंबा ये काफिला है। राहुल गांधी को देखिए आप, राहुल गांधी जी हैं, उनके साथ में भूपेश बघेल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जी, तो करीब करीब जो है वो अभी सुबह से हम चल रहे हैं, और ये सबसे आगे लेकर के आने का मकसद आपको ये था कि ताकि पूरा काफिला आपको दिखाएं कि कितने लोग इस यात्रा में शामिल हैं। और करीब जो है 4 से 5 किलोमीटर तक अभी चल चुके हैं यात्रा, राहुल गांधी जी नो स्टॉप अभी 4 से 5 किलोमीटर तक करीब जो है वो चल करके आ गए हैं, और 21 किलोमीटर आज चलेंगे। राहुल गांधी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी जरूर है लेकिन पैदल चल रहे हैं, सिक्योरिटी है, राहुल गांधी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी का इंतजाम करना जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी जी खुद पैदल पैदल चल रहे हैं। ये देखिए एक कांग्रेस पार्टी यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है, 3500 किलोमीटर की यात्रा, और राहुल गांधी जी को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और राहुल गांधी जी ने सिंपल वही टी शर्ट पहनी हुई है जो कांग्रेस के जो कई तमाम कार्यकर्ता पहने हुए हैं, वही टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी यहां पर चल रहे हैं। भूपेश बघेल उनके साथ में है, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता उनके साथ में है। तो राहुल गांधी को मैंने आपको दिखाया, राहुल गांधी को आपने देखा, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काफिला कितना बड़ा है, कहां तक ये काफिला है ये जरा आप देखिएगा, ये काफिले को देखना जरूरी है। ये देखिए आप, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसमें चल रहे हैं, और ये यहां पर हम रोक करके अब आपको काफिला दिखाने की कोशिश करेंगे। काफिला आप देखिए कई किलोमीटर लंबा ये काफिला है, जो सुरक्षा की गाड़ियां हैं वो साथ साथ है। वैभव वाली हमारे साथ में है, कांग्रेस के नेता है। वैभव जी, कन्याकुमारी ही आखिरकार क्यों चुना? देखिए ये देश का आखिरी कोना है, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, आप तस्वीरें आप देखिए, और वैभव वाले से हम बात करते रहेंगे। यहाँ से देश शुरू होता है, यहाँ पे 3 समुद्र मिलते हैं, इस जगह की अपनी एक महत्ता है, और महत्ता ये है कि ये वो भूमि है जहाँ से विवेकानंद जी ने ज्ञान अर्जित किया था, ये वो धरती है। इस जगह की महत्ता है, और यहाँ से भारत को कवर करते हुए हम लोग कश्मीर तक जाएंगे, तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे देश में एक संदेश देना है कि अब बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों से जो लोग परेशान हैं, उसके लिए एकमात्र रास्ता बचता है मास कनेक्ट का, और राहुल गांधी जी ये यात्रा पूरी करेंगे। तो राहुल जी पैदल ही चलेंगे? पैदल चलेंगे, बीच में थोड़ा बैठेंगे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे, रोज सुबह 7 से 10 पैदल चलेंगे, फिर दिन में 3:30 से 7-8 बजे तक रात को पैदल चलेंगे, ये पद यात्रा है। अभी हम लोग कितना किलोमीटर आ गए होंगे? अभी मैं अपने मोबाइल में देख रहा था, हमारे 13,000 स्टेप्स हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हमने 7-8 किलोमीटर कवर कर लिया। देखिए मैं 5 किलोमीटर बता रहा था आपको, लेकिन 7 से 8 किलोमीटर जो है वो वैभव जी बता रहे हैं। तो आप देखिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वो यहाँ पर है, आप देखिए इमरान प्रतापगढ़ी पैदल चल रहे हैं। इमरान जी, पैदल यात्रा भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत हो गई है आज। हाँ, आप अद्भुत नजारा देख रहे हैं, जब कन्याकुमारी से शुरू होकर के हजारों हजार की तादाद में जहां तक नजर जा रही है, राष्ट्रीय ध्वज है, कांग्रेस के झंडे हैं, राहुल गांधी जी के समर्थक हैं, देश की जनता है, और भारत जोड़ने का जज्बा है। इमरान जी, आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूं, लेकिन मुश्किल जरूर है, लेकिन आप ये बताइए राहुल गांधी जी वाकई 3500 किलोमीटर पैदल ही चलेंगे? सिर्फ 3500 नहीं, 3570 किलोमीटर पैदल चलेंगे, वाकई यकीनन, ये मतलब 100% कंफर्म। आप और हम लोग भी के लिए मुश्किल है भाई। क्यों, आपके लिए क्यों मुश्किल है? नहीं नहीं, आप भी नौजवान आदमी, आपको 20-22 किलोमीटर आदत नहीं हम लोगों की। अरे आदत डालेंगे? हाँ। आदत तो
धीरे धीरे देश को बचाना है, देश को एकजुट करना है, तो बहुत सारी चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। मुझे राजनीति की आदत नहीं थी, मैंने डाला, अब राजनीति कर रहा हूँ, पैदल चलूंगा इसी तरह से। अच्छा, तो यानी अब जो है कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया है कि अब वाकई धरातल पर, और जो ये कोई छोटा वीडियो आता है, कभी गहलोत साहब का कोई वीडियो वायरल होता है, कभी राहुल जी का, उन सब चीजों को छोड़ करके जमीन पर अब बस निकल गया। कौन सा किस चीज का वीडियो वायरल होता है? गहलोत जी का वीडियो वायरल हुआ, तो ऐसे कौन सा किस चीज का, वो मास्क लगा करके, वो झूठा वीडियो था वैसे, तो झूठा वीडियो था, तो फिर उसका चर्चा करने की चर्चा करने की जरूरत क्या? अब इन चीजों को साइड छोड़ करके कांग्रेस अब यहाँ से एक नई लकीर खींच रही है। नहीं, हम हमेशा से नई लकीर खींच रहे हैं। हाँ। हमने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन किया, तब भी नई लकीर खींची थी, और आज हम भारत जोड़ो शुरू कर रहे हैं तो हम नई लकीर खींच रहे हैं। हमने ही लकीरें खींची हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन लकीरों का नाम बदलने की कोशिश कर रही है। राजपथ को कर्तव्य पथ कर दो, लेकिन कर्तव्य के पथ पर कभी मत चलो। भारतीय जनता पार्टी कर्तव्य के पथ पर नहीं चल रही है, बस नाम बदल रही है। वो नाम बदलने की कोशिश और साजिश करते हैं, तो मुश्किलें, हम नए रास्ते बनाते हैं। मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन उनको चंद लाइनों में क्या कहेंगे उनको? देखिए, लाइनें बहुत सारी हैं, जज्बे बहुत सारे हैं। हम चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता है, हम जिस रास्ते पर निकले हैं यही गांधी का रास्ता है, तो हम गांधी के रास्ते पर हैं। हम उस दौर के गांधी के साथ पैदा नहीं हुए थे, तो हम महात्मा जी के साथ नहीं चल सके। हम राहुल गांधी के साथ पैदा हुए हैं, ये इस दौर का गांधी है, हम इस दौर के गांधी के साथ चल रहे हैं। तो देखिए, वाकई एक आप अपने आप में एक अलग अनुभव है, और आप देखिए कांग्रेस के जो तमाम नेता कार्यकर्ता वो इस यात्रा में हिस्सा बन करके चल रहे हैं, वो वाकई जो है वो शानदार है। आप देखिए कन्हैया कुमार को तस्वीरों में आप दिखाइए, कन्हैया कुमार जो है, तो कांग्रेस के मैं कह रहा हूँ आपको, तमाम बड़े नेता, अभी इमरान प्रताप गढ़ी से हमने आपकी बात कराई, अभी कन्हैया कुमार जो है वो चल रहे हैं, थोड़ी देर में उनसे भी बात कराते हैं। तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है वो इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के तमाम नेता इस यात्रा का पैदल हिस्सा बन रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए आप, बुलडोजर जो है वो नीचे पंजा करके खड़ा हुआ है। तो जो मौजूदा समय में बुलडोजर की एक राजनीति खड़ी की गई, आज वो बुलडोजर इस भारत जोड़ो यात्रा में आप देख रहे हैं, बुलडोजर का पंजा वो नीचे है, और कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान, जिसको पंजा कहा जाता है, वो पंजा लेकर के कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पर है। तो बुलडोजर की राजनीति को सड़क के जरिए उसको ध्वस्त करने का कांग्रेस पार्टी ने यहां पर अल्टीमेट निकाला है, इस बात को आप कह सकते हैं। और आप देखिए सुरक्षा के एहतियात से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, कई सारी इसमें एम्बुलेंस हैं, और लोगों का, कार्यकर्ताओं का तो आप क्या ही कहें। अधीर रंजन चौधरी, वो देखिए मैं आपको, अधीर रंजन चौधरी साहब मैं आपको दिखाता हूँ, और इस यात्रा की यही खूबसूरती है, कांग्रेस की तमाम लीडरशिप ने अपने आप को जो है वो लोगों के साथ में कनेक्ट कर दिया है। और अधीर रंजन चौधरी वो हमारे साथ में है, क्या कहेंगे सर, यात्रा शुरू हो गई है? यात्रा शुरू हो गई है, और लोगों के अंदर जो ऊर्जा, वो ऊर्जा ये दर्शाते हैं कि हमारी ये यात्रा को यहाँ के आम लोग हृदय से इनकी स्वीकृति दिए हैं और इनकी सराहना कर रही है। नहीं तो इस तरीके की रास्ते की दोनों तरफ जो भीड़ उमड़े रहे हैं सुबह से, ये दर्शाते हैं कि हमारा यात्रा की शुभकामना आम लोग कर रहे हैं। मैं अभी बात कर रहा था, राहुल गांधी जी को हमने दिखाया अभी यात्रा के अंदर, फिर पवन खेड़ा जी, कन्हैया कुमार, आप, तो कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर, सीनियर लीडरशिप, वो सब सड़कों पर हैं और पैदल, और कोई भी चाहे उनसे मिलना चाह रहा है, यानी जो बैरियर थे या जो बैरियर बनाने की कोशिश है, सब ध्वस्त है, अब लोगों के बीच में है डायरेक्ट। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि राहुल जी बराबर लोगों के बीच में रहते हैं। हाँ। लेकिन ये एक माहौल बनाया जाते हैं। हाँ। कि राहुल जी से कोई मिलने नहीं सकते, बात करने नहीं सकते। हाँ। ये मुझे तो ये कहने की सरासर गलत है। राहुल गांधी जी बराबर आम लोगों से मिलना पसंद करते हैं, और राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के कोने कोने में आम लोगों के मुलाकात करते हुए, मतलब संबोधन करते हुए, हिंदुस्तान में आम लोगों की अपना जो कहने की तरीका है, अपना की बोलने की जो तरीका, जो क्या दिल का इच्छा है, सब कुछ बता चुके हैं। लेकिन हमारे पास तो उस तरीके की मीडिया वालों की सपोर्ट नहीं है। प्रचार में प्रचार और प्रसार में हमारा थोड़ा खामियां जरूर है, और इसके फायदा उठाते हुए सारे हमारे
जो विपक्ष मतलब सत्तारूढ़ पार्टी, वो सत्तारूढ़ पार्टी एक गलत फहमी पैदा करना चाहते हैं। तो ये गलत फहमी जरूर दूर होंगे, क्योंकि लोग देखते हैं कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं। कथनी और करनी में राहुल गांधी जी कोई फर्क नहीं है, बाकी नेता की तरह नहीं है जो सत्ता में बैठे हुए कहते तो बहुत कुछ है लेकिन करते नहीं कुछ। अच्छा अधीरेंद्र चौधरी साहब, आपका भी नाम जो है बहुत बार जो है वो विवाद को लेकर के घसीटा जाता रहा, टीवी में कोई बयान मोड़ करके चला दिया, कोई तोड़ करके चला दिया, तो उन सब चीज़ों को छोड़ करके अब सड़क की राजनीति, लोगों की राजनीति, ये नई शुरुआत है? नहीं नहीं, हम लोग सुरक्षित राजनीति करते हैं, लेकिन सीधे को मतलब सीधे बात को मोड़ना ये कला है जो सत्तारूढ़ पार्टी को आते हैं। सबका ये कला तो नहीं होते हैं कि हाँ को ना कर दो, सादा को सफेद को काला कर दो, दिन को रात कर दो, ये सत्तारूढ़ पार्टी की कला है। वो कला वापस रहेंगे क्योंकि उनके अंदर ये सच भाव नहीं है। हम लोग ये नहीं करते, हम लोग जो एक मिनट थोड़ा ये देखिए, लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और ये स्थानीय लोग यहाँ पर आकर के यहाँ पर देखिए, आप यहीं के स्थानीय हैं, लोकल हैं, देखिए ये यात्रा के अंदर जो है वो आप चल रहे हैं, हम लोग सुबह से लगातार चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि महिला की संख्या को देखो। ये महिला, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आज शुरुआत तो जरूर हुई है, तो ये ऐसा तो नहीं होगा कि चार दिन बाद में सब फोटो खिंचा करके कोई गाड़ी में बैठा हुआ है, कोई घर पे चला गया है, कोई कह रहा है कि यही तो गलत फहमी पैदा किया जाते हैं कांग्रेस की पार्टी के खिलाफ। अब देखते रहो, आप देखते रहो, हर दिन रोजाना देखते रहो कैसे चलते हैं। घर जाने के लिए हम लोग रास्ते पे नहीं आए हैं, हाँ, लेकिन आज के दिन शुरुआत में जितने सारे लोग चलते हैं बराबर नहीं चलेगी। हमारा 118 भाई बहन, जैसे कि एक बहन है, भाई है, ये सारे तो मतलब कश्मीर तक जाने के लिए सारे रास्ते पे उतरे, जो भारतीय यात्री है वो लगातार चलेगी, बीच बीच में हर स्टेट में जब गुजरेंगे हम लोग, वहाँ के लोकल वर्कर, लोकल लोग उसमें शामिल होंगे। यही तो यात्रा का, ये यात्रा का यही होते हैं, यात्रा का फ्रेमवर्क यही होते हैं। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से मैं लगातार आपको रूबरू करा रहा हूँ, और इस यात्रा का मर्म जो है वो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, और ये अनंत यात्रा चल रही है, ये आप देखिए अनंत यात्रा, इसको वाकई कहना चाहिए, क्योंकि कई किलोमीटर पीछे तक इसी तरह से यात्रा चल रही है। और ऐसा नहीं कि कोई अपना फोटो खिंचवाने के लिए, कोई भीड़ दिखाने के लिए, कोई नेता के साथ चिपकने के लिए जो है वो चल रहा है। अभी आपको, आपने जितने भी नेताओं को देखा है सब अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही कि क्या वाकई जो जोश खरोश दिख रहा है ये बरकरार रहेगा, या लोग जो है या नेता वो अपना फोटो खिंचा करके चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरत है, कंक्रीट एक काम करने की ज़रूरत है, बड़े ठोस मजबूत तरीके से काम करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल भारत यात्रा से जुड़ी जो कवरेज है वो लगातार आपको दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को, इस खबर को खूब शेयर करिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर